1952 में राजकुमार जी की पहली मूवी आती है रंगीली, और दोस्तों कमाई के हिसाब से ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है अबसार, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1955 में इनकी मूवी आती है घमंड, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1957 में इनकी मूवी आती है मदर इंडिया, और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है नौ शेरवान आदिल, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1958 में इनकी मूवी आती है पंचायत, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है दुल्हन, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1959 में इनकी मूवी आती है अर्धांगिनी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है उजाला, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है शरारत, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है पैगाम, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है दो गुंडे, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1960 में इनकी मूवी आती है दिल अपना और प्रीत पराई, दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1961 में इनकी मूवी आती है घराना, और ये मूवी हिट रही। 1963 में इनकी मूवी आती है प्यार का बंधन, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनकी मूवी आती है दिल एक मंदिर, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे ये मूवी काफी बढ़िया थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है फूल बने अंगारे, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है गोदान, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1964 में इनकी मूवी आती है जिंदगी, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आती है दूज का चांद, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1965 में इनकी मूवी आती है वक्त, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है ऊंचे लोग, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है रिश्ते नाते, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है काजल, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1967 में इनकी मूवी आती है हमराज, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद राजकुमार जी की मूवी आती है नई रोशनी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1968 में इनकी मूवी आती है नील कमल, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है वासना, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनकी मूवी आती है मेरे हुजूर, और ये मूवी एवरेज रही। 1970 में इनकी मूवी आती है हीर रांझा, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1971 में इनकी मूवी आती है मर्यादा, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है लाल पत्थर, दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1972 में इनकी मूवी आती है पाकीज़ा, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे ये मूवी कमाल की थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है दिल का राज, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1973 में इनकी मूवी आती है हिंदुस्तान की कसम, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1974 में इनकी मूवी आती है 36 घंटे, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1976 में इनकी मूवी आती है एक से बढ़कर एक, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1978 में इनकी मूवी आती है कर्मयोगी, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1980 में इनकी मूवी आती है चंबल की कसम, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1981 में इनकी मूवी आती है बुलंदी, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है कुदरत, दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1982 में इनकी मूवी आती है धर्मकांटा, ये मूवी एवरेज रही। 1984 में इनकी मूवी आती है एक नई पहेली, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है राज तिलक, दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे इस मूवी को किस किस ने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद इनकी मूवी आती है सरारा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो गई। 1987 में इनकी मूवी आती है इतिहास, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है मुकद्दर का फैसला, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है मरते दम तक, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे इस मूवी को मैंने काफी बार देखा है। 1988 में इनकी मूवी आती है मोहब्बत के दुश्मन, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है महावीरा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है साजिश, और ये मूवी एवरेज रही। 1989 में इनकी मूवी आती है सूर्या, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है जंगबाज, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। वैसे ये मूवी भी कमाल की थी। इसी साल इनकी मूवी आती है देश के दुश्मन, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है गलियों का बादशाह, ये मूवी फ्लॉप रही। 1990 में इनकी मूवी आती है पुलिस पब्लिक, ये मूवी सेमी हिट रही। 1991 में इनकी मूवी आती है सौदागर, दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे इस मूवी के डायलॉग्स किस किस को याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1993 में इनकी मूवी आती है तिरंगा, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। ये मूवी भी कमाल की थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है पुलिस और मुजरिम, ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती
आती है इंसानियत के देवता। ये मूवी हिट रही। 1994 में इनकी मूवी आती है बेताज बादशाह और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में इनकी मूवी आती है जवाब और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है गॉड एंड गन, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। राजकुमार जी की ये आखिरी मूवी थी। दोस्तों ये था राजकुमार जी का फिल्मी सफर। अब आप बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। दोस्तों राजकुमार जी के शरीर ने साथ नहीं दिया और बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई। बॉलीवुड ने एक महान कलाकार को खो दिया। अब आप बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।